मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, पहले पिछले वाले डाउट्स कर लें डिस्कस। ये बच्चों सबने पढ़ लिया था थ्योरी? हाँ बच्चों पूछो अगर कोई डाउट्स हैं थ्योरी में। तो जैसे सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है कि वो रिपेल हो रहा है, राइट? उसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना है, ठीक है? तो इसलिए वो अपने आप को ऐसे रीजन में अलाइन कर लेता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम है। फोर्थ में भी ये हो रहा है कि लिक्विड लेफ्ट आर्म से नीचे जा रहा है, राइट आर्म से ऊपर जा रहा है, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो पाए। फिफ्थ में समझ आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है? तो पोल्स पे दूर होती है, इसीलिए तो वो पोल से दूर जा रहा है ना। बी पार्ट में देखो, ए में क्या हो रहा है, आप देखो कि वो पोल्स को मतलब ओवरशूट कर रहा है, ये दिखाया है। ये देखो ये वाला पार्ट कि पोल्स के बीच में तो जगह ही नहीं बची, इसलिए वो पोल्स के लेफ्ट और राइट पे चला गया, ये दिखाना चाह रहा है ये फिगर। आगे
ई पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ फेरोमैग्नेट एट एवरी पॉइंट. दिस फैक्ट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीइंग नॉर्मल टू सर्फेस ऑफ कंडक्टर. ठीक है भाई. बच्चों सोच सकते हो व्हाई शुड फील्ड लाइंस बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अ फेरोमैग्नेट. सोचो बच्चों. एक्चुअली बच्चों क्या होता है, बेसिकली फेरोमैग्नेट बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है फील्ड लाइंस को. ठीक है, तो अगर अब उसने बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस को बहुत पास पास आना है. तो इसलिए फील्ड लाइन को सरफेस के परपेंडिकुलर होना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस एंटर कर पाए. समझ रहे हो बच्चों? अगर फील्ड लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करना, वो तो कर ही नहीं सकती ऑब्वियसली, और सरफेस के अंदर एंटर भी करना है ज्यादा. बच्चों इसी पे ही ना एक और कंसेप्ट भी आप सोच सकते हो. आई डोंट नो कहीं था कि नहीं, जैसे आपको याद है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, वैसे ही एक मैग्नेटिक शील्डिंग भी होती है ना. कैसे कर सकते हो गया आप सोचो मैग्नेटिक शील्डिंग. बिल्कुल वही चीज है कि आप ऐसे मटेरियल को अपने जिससे जिसको भी आपको बचाना है, आप उसको यहां अंदर रख दो इसके फेरोमैग्नेट के अंदर. तो बताओ फेरोमैग्नेट क्या करेगा, हॉलो फेरोमैग्नेट ऑब्वियसली. तो फेरोमैग्नेट क्या करेगा, हाँ, तो मतलब जैसे जो तो वो होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ये होता था कि वो फील्ड लाइंस को बस एंटर नहीं करने देता था, है ना. फेरोमैग्नेट क्या करेगा, वो सारी फील्ड लाइंस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा कि जो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी वो उनको अपनी सरफेस के थ्रू पास करवाएगा, अपने बीच में से नहीं पास करवाए. समझ गए बच्चों? तो मतलब वो सारी उसके मटेरियल के अंदर से निकलेंगी, हॉलो जगह से नहीं निकलेंगी. तो हॉलो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई. नहीं, मतलब वो पियर्स करके आर पार नहीं होंगी. वो मतलब जहां जहां मटेरियल का सरफेस है, मतलब जहां जहां मटेरियल है फेरोमैग्नेट, उसके थ्रू ही निकलेंगी टेढ़ी मेढ़ी होके. समझ गए बच्चों? ओके. आगे बच्चों एक्सरसाइज 1 डी पार्ट.
सी पार्ट। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 सी पार्ट, एनी डाउट? फर्स्ट का आंसर आ रहा है बच्चों? फिफ्टीन पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर चेंज कर लो, 15.7। सेकेंड क्वेश्चन मुझे बताओ बच्चों फटाफट, कैसे किया, एच कैसे निकाला? Ni, राइट? फिर सी तो निकल ही आया, म्यू नॉट एन आई। व्हाट अबाउट एम? आप ससेप्टेबिलिटी निकाल सकते हो, है ना? तो यूज रिलेशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी बन गई ना 399। आगे बच्चों, थर्ड आई थिंक इसमें ये थोड़ा मिसप्रिंट सा लग रहा है, वो मैग्नेटिज्म करंट नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों, सेकंड में क्या है ना, वही अगर एकदम माइंड में ऐसा आता है कि वॉल्यूम चाहिए, उससे निकलेगा जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। बट आप वो रिलेशन से भी निकाल सकते हो ना, ससेप्टेबिलिटी वाले रिलेशन से। हाँ तो थर्ड क्वेश्चन में बच्चों, ये ना मिसप्रिंट है, ये मैग्नेटाइजिंग आएगा। ठीक है, फिर उसके आगे कैसे करोगे? आपको रेडियस दे दिया, टर्न्स दे दिए, म्यू दे दिया, म्यू एन आई, है ना? हाँ गोपाल, गोपाल कुछ कह रहे हो?
जो मैंने पूछा था उस टाइम आपसे व्हाट्सएप पे, मतलब वो इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट वो नहीं है जो एडिशनल करंट हमें पास करना पड़ेगा, मतलब कुछ हम पास कर रहे थे और एक मैग्नेटिक मटेरियल हमने रखा हुआ है टॉरॉइड के अंदर, फिर हमने एक मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट वो नहीं होता कि जैसे अगर हमने वो मैग्नेटाइज जो मटेरियल रखा हुआ है टॉरॉइड के अंदर वो अगर हमने निकाल दिया तो कितनी एडिशनल करंट हमें पास करना पड़ेगा कि उतना ही आ जाए जो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड। नहीं पर यहां तो कोई दूसरा करंट तो है ही नहीं ना। जो मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट से जो नॉर्मल करंट हम पास करते हैं वो तो आ ही जाएगा ना, नहीं कैसे निकालोगे यहाँ पे? मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि दो केसेस हैं, एक के अंदर हमारे पास टॉरॉयड है उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल डाला होगा हमने और करंट पास कर रहे हैं और टोटल बी नेट निकालेंगे, और मतलब मतलब वो मैग्नेटाइजिंग करंट है नहीं ना करंट मेरे पास। नहीं, वो तो उससे आ जाएगा ना कि मैग्नेटाइजिंग करंट इक्वल टू जैसे मैग्नेटाइज जो वो होता है मैग्नेटाइज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच, वो होता है ना मतलब वैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट इक्वल टू सेसिबिलिटी इनटू नॉर्मल करंट। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप वो तो यूज हो जाएगा, बट जो अगर हम दूसरे करंट की बात करें वो निकालने का तो कोई तरीका नहीं है ना। कौन सा नॉर्मल करंट? हाँ नॉर्मल करंट भी मैग्नेटाइजिंग करंट वही आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट से। नहीं वो तो हम बच्चों 1 मिनट क्लियर करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो ना एक काम करो, आप ना यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, एक डी पार्ट बनाओ जिसमें टर्म लिखो मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसका मीनिंग क्या है। सोच सकते हो एक बार नाम से कि मैग्नेटाइजिंग करंट का क्या मीनिंग होगा। तो जो क्या होता है एक्चुअली ना, ये बहुत प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती बट एनसीईआरटी में है क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं जरूर। तो क्या होता है एक्चुअली मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब ये होता है कि आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो कुछ ना होता, अगर हमने कोई मटेरियल अंदर ना डाला होता, ठीक है, ये जो हमने 400 वाला यूज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती। तब तो सिंपली म्यू नॉट एन आई होती ना। तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब यह है बच्चों कि ध्यान से सुनना कि अगर हम कोई और मटेरियल यूज नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा कितना करंट देना पड़ेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड वही आ जाए जो कि मटेरियल के साथ आ रही। ठीक है, मतलब मटेरियल जो एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे मटेरियल नहीं यूज करना, तो मुझे एक्स्ट्रा करंट कितना भेजना पड़ेगा
जिससे कि वही सेम फील्ड आ जाए। ठीक है, तो ये लिख लो डेफिनेशन। एक्स्ट्रा ठीक है बच्चों, तो मुझे फटाफट निकाल के दिखाओ इस केस में कितना बनेगा मैग्नेटाइजिंग करंट। एट हंड्रेड नहीं, 800 तो टोटल हो गया। हाँ चेक करो बच्चों, यू शुड गेट जब इसका जो आंसर है वो 798।
तो बच्चों आप ये देख सकते हो यस मतलब अगर हम जैसे जैसे यहाँ पे आपने जब ड्राइव किया तो इसी तरह ड्राइव किया ना कि भाई पहले बी क्या था म्यू एन आई है ना और बाद में क्या बन गया म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम इस तरह निकाला ना आपने तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है हमारे पास आप देखो एन तो कटी गया तो म्यू नॉट को इस तरफ ले आओ तो म्यू आर इनटू आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एम करेक्ट और यहां से यू कैन सी व्हाट यू गेट इज कि आई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस आई बच्चों क्या होता है ससेप्टेबिलिटी इनटू आई करेक्ट हम ये रिलेशन बना सकते हैं तो यस बच्चों मतलब आई डोंट नो कि वो थर्ड में ये कहना चाहते थे कि नहीं कहना चाहते थे बट अगर वो मैग्नेटाइजिंग करंट ही कह रहे हैं जो कि एक अच्छा एक इससे पहले यार मुझे डांटना था सबको नॉन मेड वालों कौन कौन वो गलती करके आए हो कि इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं पढ़ी और आंसर डेसिमल में मार्क करके आए हो हाथ ऊपर करो पूरा बेशरम होके कोई चक्कर नहीं है तो जैसा मैंने कहा था कि चल अभी तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यू हैव मोर अटेम्प्ट्स मेड वाले बच्चों आप भी समझ जाओ यू विल नॉट हैव मोर अटेम्प्ट्स आपको पता चल गया होगा कि आपका तो एक ही पेपर है भाई कितनी बार मैंने आपको कहा होगा कि इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो एंड स्टिल आप ये गलती कैसे करके आ सकते हो मुझे बताओ वेरी सरप्राइजिंग एंड मुझे ना पहले जैसे आप में से कहीं उससे बात करके जैसे वो बिल्कुल क्लियर तो पता नहीं चल रहा था मुझे लगा कि कोई एम्बिग्विटी है कि उन्होंने पहले कुछ और लिख दिया बाद में कुछ और लिख दिया बट कोई एम्बिग्विटी नहीं है उन्होंने पहले क्लियरली लिख दिया कि हाँ जी सारे आंसर्स इंटीजर में दो और बाद में बस ये किया है कि कुछ में कहा है और कुछ में नहीं कहा ये तो कहीं भी नहीं कहा कि डेसिमल में दो आंसर बाद में एम्बिग्विटी तो तब आती तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको इसके कोई मार्क्स मिलेंगे जो डेसिमल में निकाल के आए मेरे हाथ में हो ना तो मैं तो तुम सबके काट ही लूं मार्क्स हाईएस्ट जो मुझे पता चले हैं 271 पता चले हैं
हाँ मतलब मैं तो आई क्वेस्ट के बता रहा हूँ। ओके तो बच्चों हाँ अब ये जो भव्य के हैं एम भव्य हाँ जी बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ कि हाँ अगर यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग लिखा है क्लियरली तो फिर आंसर क्या आएगा अपना बच्चों। अगर मैग्नेटाइजिंग है तो इससे आप आई निकाल सकते हो है ना, दूसरा करंट जो हमने अभी रिलेशन निकाला। और उससे फिर आप फील्ड निकाल सकते हो। तो यस पीछे वाला आंसर नहीं आएगा, पीछे वाला तो आई थिंक इन्होंने इसी को आई मान के निकाला हुआ है ना। तो वो ठीक कर लो, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा आंसर। हाँ गोपाल क्या बनता है आंसर। फाइव सिक्स जी इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। बताओ बच्चों फटाफट। चलो कर लेना कंफर्म, आगे बताओ। नहीं, थर्ड का जो पीछे था वो आ रहा था, लेकिन वो ये अज्यूम करके आता है कि आप इसको मैग्नेटाइजिंग नहीं नॉर्मल करंट मानो। अगर आप मैग्नेटाइजिंग मानोगे फिर आंसर गलत है पीछे वाला है ना। मतलब अगर तो आप उसको सिंपल आई मान के म्यू एन आई कर दोगे फिर वो जो आंसर वो वाला आएगा थर्ड में। ये मेरे ख्याल आप कंफ्यूज कर रहे हो तनिष, एम का क्या मतलब है बच्चों सेकंड क्वेश्चन में।
एम का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही है ना, आई थिंक आप उसको मैग्नेटिक मोमेंट से कंफ्यूज कर रहे हो, ये एम से उनका मीनिंग है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चाहे ठीक ही कर लो उसको। चलो आगे बच्चों, डन। अच्छा बच्चों एक ये याद रखना, मतलब जो एरिया होता है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, एरिया इज एनर्जी, वो सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी पर वॉल्यूम है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको डेंसिटी दे दी, मास दे दिया, उससे उसका वॉल्यूम निकल आया, एरिया आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एरिया बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी बीइंग लॉस्ट पर साइकिल पर वॉल्यूम, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले तो वो पर सेकेंड आया, फिर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे टोटल आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, कोएर्सिविटी किसकी वैल्यू होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ हम जो क्वांटिटीज निकालते हैं, कोएर्सिविटी क्या होता है, एच, राइट। तो आपने एच को इक्वेट करना, फोर्थ क्वेश्चन आपको डायपोल मोमेंट दे दी, टेम्परेचर बता दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बता दिए, मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, मतलब आप ये मान लो कि सारे मॉलिक्यूल्स एक तरफ इंक्लाइन हो गए, तो बस आपने डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम निकालनी है। इसे जो आइडियल गैस इक्वेशन मानना पड़ता है ना फोर्थ में, तभी आएगा आंसर। तो वो मतलब आइडियली वो मेंशन्ड होना चाहिए, है ना। हाँ बच्चों एक्सरसाइज वन, डी पार्ट, फिफ्टींथ बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, ए आएगा। नाइन्थ, क्या कह रहे हो, नाइन्थ में क्या मेंशन्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये मेंशन होना चाहिए कि वो किस तरफ की बात कर रहे हैं, है ना, कि एक साइड का लेवल फॉल करेगा, एक का राइज करेगा।
ठीक है. थर्टी फोर. तो 34 में बच्चों एक तो म्यू 1 से कम नहीं हो सकता है ना, तो ए और डी में आपको म्यू और एप्सिलॉन वाले रिलेशन से, तो ए आ जाएगा. थर्टी नाइन्थ बच्चों, इसका ये पैरामैग्नेटिक है ना, तो आंसर तो ए या सी में से ही आना है. और मतलब ये आप वैसे निकाल सकते थे कि जैसे जो सी वाला ग्राफ है वो तो किस केस में आता है, वो तो फेरोमैग्नेटिक में आता है जो हमने हिस्टेरिसिस कर्व में बनाया था ना. जो पैरामैग्नेटिक होता है वो तो वीकली मैग्नेटाइज ही होता है, तो ए आएगा ना. थर्टी सिक्स का क्या आएगा बच्चों बताओ. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कम होती है ना मैग्नेटिक मोमेंट. एंड बच्चों अगर मान लो कंफ्यूजन हो कि कम में, तो फिर ए और सी भी हो जाता है, हो सकता है. तो ए और सी तो ऐसा शो कर रहे हैं ना कि एक टेम्परेचर के बाद, मतलब हमें रिलेशन भी नहीं पता तो भी हम कैसे बता सकते हैं कि ए और सी तो ऐसा शो कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद वो खत्म ही हो जाएगा, एम जीरो ही हो जाएगा. वो तो नहीं होगा ना कुछ तो रहेगी एम, तो उससे पता चल जाता है कि बी टाइप्स का होगा. सी दिया हुआ क्या उन्होंने? सी तो नहीं सेंस बन रही. एक सेकेंड मुझे.
तो इसका बी आएगा बच्चों। जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक मोमेंट कम होएगी, वो क्यों होएगी बच्चों, इसका लॉजिक क्या होता है? रैंडमनेस बढ़ती है तो सारे अलाइन नहीं होंगे, है ना? तो अब ये कैसे पता चल रहा है कि ए और सी नहीं हो सकते, बी ही होगा? हमने कोई मैथमेटिकल रिलेशन तो किया नहीं है। तो वो इससे पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो एकदम से जीरो ही हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट, है ना? कुछ ना कुछ तो रहेगी, ग्रेजुअली कम होगी, तो इसलिए बी बनता है। क्लियर? आगे डन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, यूज टू मेक मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में बच्चों किस टाइप का यूज होता है? अ मैग्नेट, परमानेंट, है ना? मतलब क्योंकि आपको ये नहीं करना होता ना वहां पे कि बार बार उसको मैग्नेटाइज किया फिर हटाना है। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर में नहीं, ट्रांसफॉर्मर भी तो परमानेंट ही होता है। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया बच्चों, जो कोर होती है हम ये चाहेंगे ना कि जो कोर है जब कि जब आपने यहां पे वाइंडिंग में करंट पास करवाया तब वो कोर मैग्नेटाइज हो, है ना? और जब आपने करंट हटा दिया तो वो खत्म हो जाए। मतलब हम कैसा मटेरियल लेते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की कोर का, है ना? कि जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करे और मतलब जब हम करंट पास कर रहे हैं तब वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, उसके बिना हमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर की जरूरत नहीं। ये बात समझ रहे हो बच्चों? और सेम चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में है। तो मतलब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो ट्रांसफॉर्मर और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों में ही टेम्पररी फील्ड चाहिए हमें, इजंट इट? मतलब टेम्पररी मैग्नेट चाहिए और मतलब वो
बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होंगे। तो ए और बी में से आप कौन सा ग्राफ प्रेफर करोगे उनका? बी है ना, जिसकी कर्व नैरो। तो मतलब फिर से बच्चों एक बात समझो कि कर्व नैरो का हमारे को कहां पे इंपॉर्टेंस है, जहां पे कोई मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है ना, क्योंकि फिर क्या होगा कि हर साइकिल में बहुत सारी एनर्जी लूज होती जाएगी। जहां पे आपका परमानेंट मैग्नेट है वहां तो कर्व बड़ी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो एक बार एनर्जी लॉस हुआ, बार बार तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर ही नहीं रहे हो। अंडरस्टूड? और कोई क्वेश्चन बच्चों इसमें? हाँ, ट्रांसफार्मर में हर टाइम करंट तो फ्लो करता है, लेकिन वो एसी करंट होता है ना, तो वहां पे वो बार बार उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है कोर को। पहले एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। सी डी बच्चों कुछ समझ नहीं आएगा, याद ही रखना पड़ेगा आपको। फिफ्थ भी बिल्कुल वही जैसे हमने अभी डिस्कस किया था वैसे ही होगा। चलो बच्चे एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिजॉल्विंग पावर। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि याद करो डिफ्रैक्शन से कि जब लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल के थ्रू पास करती है, कोई भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस करती है, वो डिफ्रैक्ट होती है, इजंट इट? डिफ्रैक्ट मतलब वो बेंड हो जाती।
करेक्ट? तो बच्चों इसी लॉजिक से जो हम रे ऑप्टिक्स में ऐसा बोल भी देते थे कि हम रे ऑप्टिक्स में हमारे लिए ऐसा कहना बड़ा आसान था कि हम कह देते थे कि जब लाइट एक भाई एक एग्जांपल की फॉर्म में हम कह देते थे कि जब लाइट एक पैरेलल बीम पास करेगी तो हम कह देते कि वो एक फोकस पे कन्वर्ज करेगी, राइट? तो हम कह रहे थे कि वो सिंगल पॉइंट पे करेगी. बट नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफ्रैक्शन इज कि जब लाइट इस लेंस के थ्रू पास करेगी तब भी लाइट कुछ ना कुछ डिफ्रैक्ट करेगी. समझ लो बच्चों. तो अगर लाइट डिफ्रैक्ट करेगी इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी लाइट जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज करेगी, वो एक थोड़ा सा रीजन होगा, मतलब एक डिस्क टाइप्स होएगी. तो इन रियलिटी लाइट इज never converged at a single point, right? It forms a disk. ठीक है, तो ये ना जैसे आपके अच्छा ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखेगा हमें, ऐसे नहीं कि नॉर्मल आई से दिख जाएगा. तो ये जैसे मैं आपको बच्चों आपके मॉड्यूल में दिखा देता हूँ, इसकी पिक भी दी हुई है कि ये किस तरीके का दिखता है. तो बच्चों ये जो ए फिगर है समथिंग लाइक दिस, तो आपको याद है डिफ्रैक्शन में ऐसा ही होता है ना कि सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज होती है और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है. तो ये भी वही चीज हो रही है कि सेंटर पे आपकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो इंटेंसिटी कम होती जा रही है. बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो एक सिंगल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, एक डिस्क होती है. क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बोल दो भाई कुछ. ओके, तो अब बच्चों मतलब अब नाउ लेट्स कीप दिस इन माइंड कि अब पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता, अब देख डिस्क होती है जिसके इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम है और जितना हम सेंटर से दूर जाएंगे वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी. ठीक है बच्चों. तो अब बच्चों ये जो कंसेप्ट है रिजॉल्विंग पावर, देखो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. वो एग्जांपल भी अभी प्रेजेंट देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने मैक्सिमम जूम करके ऐसे दो पॉइंट्स बना दिए,
ठीक है। अभी आपको ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिख रहे हैं? ठीक है, मतलब आप क्लियरली ये दोनों रिंग्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। अब बच्चों मैं जैसे जैसे इसको जूम इन करता हूं, ये अब मिनिमम जूम हो गया, क्या अब आपको ऐसा दिखना शुरू हो गया कि ये दोनों रिंग्स टच कर रही हैं? है ना, बट असली में तो नहीं कर रही। तो बच्चों ये कंसेप्ट, इसके जैसा कंसेप्ट, हाँ ये दो डिस्क हैं, है ना, रिंग नहीं है, डिस्क मान लो। तो इसके जैसा कंसेप्ट बच्चों आपने मतलब साउंड के लिए भी करा हुआ है। तो जैसे बच्चों हम साउंड के लिए कहते हैं ना कि हमें दो सेपरेट साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल चाहिए। जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इस कंसेप्ट को हम बीट्स में भी यूज करते थे कि दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें उनके बीच में एक टाइम गैप चाहिए होता है, इसीलिए हमें 10 से ज्यादा बीट्स नहीं सुनाई देती, है ना। ऐसे ही हम जैसे कहते हैं कि अगर दो स्टिल इमेजेस हैं, तो अगर वो दो स्टिल इमेजेस के बीच में टाइम गैप बहुत कम होगा तो हमारे को वो एक कंटिन्यूअस मूवी नजर आएगी। तो एक मूवी और एक फोटो में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है ना कि बहुत सारी फोटोज हैं जो बहुत फास्ट फास्ट चेंज कर रही हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है एज इफ कि कुछ कंटिन्यूअसली चल रहा है, राइट? तो सिमिलरली बच्चों अगर कोई हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, अगेन पॉइंट मतलब रियलिटी में डिस्क, तो अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो हमें उन पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप चाहिए, कुछ एक मिनिमम गैप चाहिए, अदरवाइज हमारी आई जो है वो उन दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? है ना, कि जैसे मैं फिर से देखो कि अगर मैं ऐसे बहुत सारे डॉट्स बना दूं, ठीक है, अभी मुझे दिख रहा है कि वो डॉट्स अलग अलग हैं, बट अगर मैं इसको जूम कर दूंगा, बहुत जूम इन कर दूंगा, तो वो मुझे नियरली एक लाइन ही नजर आएगा। अब मैं डॉट्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों ये अगर मैं अलग अलग देखना चाहता हूं तो उसका तरीका क्या होगा? अगर मैं दो पॉइंट्स को अलग अलग करके देखना चाहता हूं तो क्या तरीका होगा? नहीं, यहां टाइम का चक्कर नहीं है, मतलब चलो मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। मान लो मैंने बोर्ड के ऊपर, मान लो हमारी नॉर्मल क्लास चल रही है, मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपने दो डॉट्स बनाए, रेगुलर ऑफलाइन क्लास, ठीक है, वो डॉट्स मेरे को अलग अलग दिख रहे हैं, जो बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है उसको वो डॉट्स अलग अलग नहीं दिख रहे। तो अगर लास्ट बेंच वाले बच्चे को वो डॉट्स अलग अलग दिखाने हैं तो उसका तरीका क्या होगा बच्चों?
दो तरीके हैं, है ना, या तो उसको ये कहा जाए कि यार पास आ जा बोर्ड के, है ना, या तो ऑब्जर्वर आगे आ जाए, या अगर मेरे पास मैकेनिज्म हो कि मैं बोर्ड की कि मैं बोर्ड को जूम कर दूं, है ना, तो इन बोथ केसेस सी, ये बात हमने पहले भी की है बच्चों, व्हाट वी आर इनडायरेक्टली डूइंग इज, अब मैं एग्जैजरेटेड फिगर बना रहा हूं बच्चों बड़ा, क्या मैं ऐसे कह दूं कि अगर हमारी आई को कोई दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करना है तो उसका एक पर्टिकुलर एंगल सबटेंड होना चाहिए आई पे, है ना, एक कुछ मतलब हमारी आई दो पॉइंट्स को अलग अलग तभी देख सकती है अगर वो एक कुछ मिनिमम एंगल हमारी आई के ऊपर सबटेंड करते हैं, राइट, तो वो एंगल बढ़ाने का क्या तरीका है, या तो आप खुद ही उन दो पॉइंट्स के पास चले जाओ, है ना, या फिर आप क्या करो उन दो पॉइंट्स को दूर दूर कर दो, दो पॉइंट्स को दूर करने का क्या मतलब हुआ, आपने उसकी इमेज एनलार्ज कर दी या इमेज मैग्नीफाई कर दी, तो आपको वो दो पॉइंट्स अलग अलग नजर आ जाएंगे, ये बात समझ आ रही है बच्चों, ये बच्चों आपको उससे भी समझ आएगा, बिल्कुल यही चीज यहां भी यूज होती है, आपने सुना होगा ना जैसे जो हमारे टीवी होते हैं या मोबाइल होते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल की क्या रेजोल्यूशन है या टीवी की क्या रेजोल्यूशन है, जिसको हम फुल HD या 4K इस तरह से क्लासिफाई करते हैं ना, तो वो क्या होता है, बेसिकली पिक्सल्स होते हैं, है ना, तो पिक्सल क्या है, पिक्सल इज अ टाइनी डॉट, तो हम कह रहे हैं कि जितने ज्यादा पिक्सल्स को मिला के इमेज बनी होगी उतना वो आपको इमेज ज्यादा अच्छी नजर आएगी, ज्यादा क्लियर नजर आएगी, जितना कम पिक्सल्स को मिला के बनी होगी उतनी वो कम अच्छी नजर आएगी, है ना, तो फिर से बच्चों कमिंग बैक कि अगर हमारे को कोई दो पॉइंट्स को क्लियरली देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे को एक आई के मतलब उन दो पॉइंट्स को आई के ऊपर एक मिनिमम एंगल सबटेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आई उन दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी,
हाँ बच्चों बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ थीटा बड़ा होना चाहिए कि थीटा की एक लिमिट है, अगर थीटा उससे कम हो गया फिर हमारे को वो हम दो उन दो पॉइंट्स को अलग नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों ये आई क्या है, आई भी एक तरह से लेंस ही है राइट। तो जस्ट लाइक आई किसी भी डिवाइस की ये लिमिटेशन होती है कि वो कोई दो पॉइंट्स को अलग अलग दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता। ठीक है ये बच्चों निकलता कैसे है, देखो इसको हम ब्रॉडली समझ रहे हैं बस। क्या होता है कि जैसे बच्चों मान लो ऐसे लेंस के थ्रू रेज पास कर रही है, ठीक है, तो इन रेज की डिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। लेंस का आप मान लो बच्चों जो अपर्चर है That is 2A, ठीक है, तो रेस की डिफ्रैक्शन हो जाती है और हमें पता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बच्चों दिखता होता है, मतलब जो उसका ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, तो बच्चों वी आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट मैक्सिमम क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो इसी के अंदर होती है। तो ये हमारी जो मेन डिस्क है वो बन गई, ठीक है बच्चों आप समझ लो ये मैंने एक बहुत एनलार्ज्ड इमेज बनाई है जो कि ये शो कर रही है कि अगर एक लेंस से पैरेलल बीम आ रही है तो आइडियली तो हम ये कहते हैं कि पैरेलल बीम एक पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए, बट वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज ना होने की जगह एक कुछ डिस्क सी बना रही है, ठीक है। हाँ ये फोकस है, मतलब मैं फोकस पे जो इमेज बननी थी जिसको हम नॉर्मली मतलब डॉट से शो करते हैं, अब मैं उसको डिस्क से शो कर रहा हूं। ये डिस्टेंस जो है ये फोकस है, यस। ठीक है जी, तो बच्चों द प्रूफ इज विद बियॉन्ड आवर स्कोप बट इट सो टर्न्स आउट कि ये जो डिस्क बनती है, ठीक है, इस डिस्क का जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा एफ बाय 2, ठीक है। मैं इसको जान के 2a की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मतलब 2a इज द अपर्चर ऑफ द लेंस, तो ये प्रूफ बच्चों हमारे बस का नहीं है बट इसको वैसे दिस इज नोन एज
रेलेज क्राइटेरियन, कोई जिस भी साइंटिस्ट ने निकाला होगा, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये एंगल है वो हम आया कहां से, कैसे निकालते हैं हम वो एंगल, ठीक है। हाँ बच्चों, यहां तक बात समझ आ रही है, ये क्लियर है? तो अब बच्चों मुझे ये बताओ, देखो क्या होगा, अब आप सोचो कि मान लो लेंस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स की इमेज बनाएगा, है ना, तो बहुत सारी डिस्क्स बनेंगी, तो क्या हो जाएगा कि जब तक तो बच्चों पॉइंट्स थे तब तक तो कहना आसान था, लेकिन अब अगर डिस्क्स हैं तो वो डिस्क्स तो ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं, जैसे जैसे लेंस की लेंस इमेजेस बनाएगा तो डिस्क्स ओवरलैप कर सकती हैं, है ना। अगर डिस्क्स ओवरलैप करेंगी तो हमारे को ऑब्वियसली पॉइंट्स अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे, करेक्ट? तो बच्चों ये जैसे मतलब एक्सपेरिमेंटली या और कॉम्प्लेक्स थ्योरी से मतलब ये कंक्लूड हुआ हुआ है कि अगर आपकी डिस्क इतनी भी हो ना ओवरलैपिंग की कि मतलब बस दोनों के सेंटर्स जस्ट अलग अलग रह जाए, कि सेंटर हाइड ना हो, तो इतने पे भी हमारा काम चल जाता है, मतलब यहां तक भी हमारे को दो पॉइंट्स अलग अलग नजर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो रुको बच्चों, इसको फिगर को ना ऐसे बनाने की जगह एक और तरीके से बना लो, तो ज्यादा इजीली तो मतलब मान लो ये लेंस है, ये मान लो जहां इसका फोकस है वहां पे फोकल प्लेन है, वहां पे अलग अलग पॉइंट्स की इमेजेस बना रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों सी अलग रह जाएं तो भी हमारा काम चल जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, ये आर हो गया ना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस एफ हो गया,
तो अच्छा ये एंगल सबटेंडेड कितना हो गया? इसको अगर मैं डेल्टा थीटा लिख दूं, ठीक है जी। तो चाहे मैं इसको डायरेक्टली बोल दूं चाहे मैं इसको इनडायरेक्टली बोल दूं, पॉइंट ये है कि अगर मतलब कोई भी डिवाइस से दो पॉइंट्स अलग अलग तब नजर आते हैं, हाँ इधर टू आएगा, अगर उस डिवाइस के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा हो वो 0.61 लैम्डा बाय ए से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब ये पूरी कहानी का सार है जो आप नोट कर सकते हो कि फॉर टू पॉइंट्स टू बी सीन डिस्टिंक्टली एंगल सबटेंडेड शुड बी ग्रेटर देन ठीक है। वंस अगेन बच्चों आपको ये बात समझ आ गई कि जो मैंने बोला कि मतलब टू ए वाली फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार आपको डायरेक्ट रेजोल्यूशन ही दी होती है, सॉरी अपर्चर दिया होता है, तो मतलब आप अपर्चर को टू ए पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये गलती मत करो, लिख भी लो चलो कि टू ए इज द अपर्चर। आकाश एक बार सोचो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ? अगर मतलब एक डिस्क की एज सेंटर के थ्रू ही पास कर रही है। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर सो फार? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों करेंगे कंटिन्यू। तो इसका जो रिजॉल्विंग वाला पार्ट बचा हुआ है प्लस जो अपना मतलब पोलराइजिंग वाला पार्ट है वो अपना नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा खत्म सारा। ऑलराइट, चलो ओके बच्चों, बाय, सी यू टुमारो।